बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं बाइक चेक करके लेके आया हूँ, क्योंकि जैसे कल तंग हुआ था इसलिए आज मैंने पहले बाइक चेक की है, उसका पेट्रोल वगैरह चेक किया, फिर लेके आया हूँ। लेने चार ही आए हैं हम, तो मैंने थोड़े से काटे थे, अभी पट्ठे काटे हैं तो गर्मी काफ़ी है, क्यों पट्ठों में गर्मी ज़्यादा है। आसपास हवा चल रही है, मज़े है, बहुत सुकून का माहौल है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखें दरख्त हैं और ये देखें हवा चल रही है, काफ़ी मज़े की हवा चल रही है। और आज जुमे का दिन है, जल्दी जल्दी से चारा लेकर चलते हैं और उसके बाद अगली तैयारी भी करनी होती है जुमे वगैरह की, क्यों टाइम से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, क्यों वक्ती तौर पर फिर टाइम नहीं मिलता है कभी, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी से चलते हैं। ये हमारे पट्ठे आ चुके हैं, मैं अभी लेके आया हूँ, फारग हो चुका हूँ अब इस काम से। की लेना, गर्मी काफ़ी थी, थक भी चुका हूँ, तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, खाने को भी लेट है। अभी अब्बा जी कलेजी लेके आए हैं, पहले उसको धोएंगे फिर पकाएंगे, टाइम काफ़ी लगेगा। इतनी देर में कुछ हम और कुछ देखते हैं, अभी तो मशीन वगैरह चार्जिंग पे लगाते हैं जुमे आज, क्यों तैयारी करनी है। ये चार्जिंग पर लगा दी, एक घंटा लगेगा इनको चार्जिंग होने में, एक डेढ़ घंटा लग ही जाएगा। ये आज हमारा सुबह का जो होता है खाना 10 बजे, जुमा पढ़ के अभी वापस आया हूँ, क्यों जुमे से पहले टाइम कम था इसीलिए वीडियो नहीं बना सका। ये सेटिंग की है लेकिन बेहतर नहीं हुई है, तो एक काम है आज हमारा, वो छोटा सा है वो करना है। अभी जनरेटर है, इसको ऑयल चेंज करना है, तकरीबन पिछले सीज़न से डाला हुआ है, अभी तक चेंज नहीं किया है। मट्टी देखे कितनी हो रही है, इसकी कोई ख्याल ही नहीं करता है। पहले हम इसका पुराना तेल निकाल देंगे, फिर नया डालेंगे। खुला ऑयल लेते आते हैं, ये खुला तेल लेते आते हैं, किक्स वालों का है तो खुला मिल जाता है। तो ये पिछले साल लेके आए थे, तो अभी तक ये पड़ा है, पिछले साल इतना यूज़ नहीं हुआ था, तो अभी भी क्यों अब जनरेटर इतना चलता नहीं है, इसी वजह से ये भी कम यूज़ होता है, तो अभी भी यही हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस किनारे तक डाला है हमने, ये थोड़ा सा अंदर है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसकी जो एक सील इधर होती है अंदर और एक सील इधर होती है इस साइड पे, तो इस साइड पे सीलें होती हैं दोनों, तो वो लीक हो जाती हैं अगर ज़्यादा तेल डाल दें, तो इसीलिए इसका ख्याल करना पड़ता है। और दूसरी बात, ये जो हमारा ख़राब तेल निकला है ये भी ज़ाया नहीं होगा, ये भी काम आएगा। ये देखें इसके ऊपर मैंने ये लगाई हुई है, ये जो हमारी पट्ठे कुतरने वाली मशीन है उसमें काम आएगा।
ये ऑयल मशीन के जो पट्टे कुतरने वाली है ना, इधर यूज़ होता है ऐसे। ये काफ़ी दिन हो गए, इसको भी तेल नहीं लगाया था क्योंकि तेल ख़त्म हो रहा था, तो अब ये निकाल लिया है, यही काम आएगा। अब सिर्फ मेरे तेल लगने वाला रह गया, बालों को तेल लगवाना है। क्यों, जुमे से पहले नहाया था तो तेल नहीं लगा सका, तो अब लगवाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हबस हो रहा है। क्यों, बादल हो रहे हैं तो उसकी वजह से हबस भी हो रहा है। ये देखें, सूरज भी बादलों में छुपा हुआ है और बादल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी निकला हूँ। क्यों, जैसा मौसम हो रहा है इसमें हबस बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं भी सुकून नहीं है। आज तक मज़े की बात ये हुई है, मज़े की क्या, तकलीफ़ की हुई है, जब मैंने जनरेटर का ऑयल चेंज किया था, तेल वगैरह नहीं चेंज किया था उस वक्त मैंने, उसके बाद मैंने बताया था कि मैंने सर को तेल लगवाना है, तो तेल मैं कड़वा इस्तेमाल करता हूँ, सर को तो मैंने लगवा लिया। तो रुमाल रखा हुआ था मेरे साइड पे, तो गर्मी की वजह से कुछ पसीना आया तो मैंने वैसे ही रुमाल निकाल के तो मुंह पे लगा लिया। वो जैसे लगाया मेरे मुंह पे इतनी ज़बरदस्त जलन हुई है उस वक़्त की, अभी तक भी हल्की हल्की सी हो रही है। मैंने दो बार चेहरे को धोया साबुन के साथ, मगर वो कड़वे तेल की जो जलन है वो अभी भी असर दिखा रही है। इस गर्मी में जो वो असरात ज़्यादा तंग करते हैं, कि गर्मी में वो जो कड़वा तेल है वो ज़्यादा तंग करता है। सुकून आज कहीं भी नहीं है, ना घर में है ना बाहर है। बाहर में आया था, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ही हवा चलती होगी तो सुकून हो जाएगा, मगर बाहर भी हवा बिल्कुल भी नहीं है, ज़र्रा बराबर भी। ये देख रहे हैं आप, स्किंट लगते हैं पसीना आने में। ये बादलों की सूरत हाल है, ये देखें, और इधर से देखें, ये ऐसे ही है सुबह से। दोपहर को भी धूप बहुत कम निकली है, बहुत ही कम निकली है, तो इसकी वजह से हबस ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, बैठने से फौरी पसीना के हालात चेक करें, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैठना बहुत मुश्किल है। बस थोड़ी सी देर ही बैठेंगे हम भी, फिर घर को जाएंगे। साथ मेरे अभी एक दोस्त है, रास्ते में मिला है, मैं अपने रास्ते से आया हूँ, ये इधर से आया, दरमियान में से हम मिले हैं, ये पास ही बैठे हैं, चेहरा उसने उस तरफ किया हुआ है, गर्मी की वजह से कह रहा है गर्मी की वजह से चेहरा मैंने उधर किया हुआ है। गर्मी है ही बहुत, इंतहा ही हुई खड़ी आज। मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अब्बा जी की कॉल अभी आई थी कि खाने का टाइम है, तू अभी तक वापस नहीं आया घर, तो अभी जा रहा हूँ। तकरीबन आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है, तो थोड़ा सा रह गया, 3-4 मिनट और लगेंगे। ये देखें, सूरज भी ग़ुरूब होने वाला ही है, बस बादलों की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ही आ रहा है। अभी इशा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, मगरिब के बाद आंख लग गई थी कि सुबह से आराम नहीं किया है, कल पूरा दिन सोया था तो रात नींद मज़े की नहीं आई, तो इसी वजह से आज मैं पूरा दिन नहीं सोया। मैंने कहा चलो रात को नींद अच्छी आएगी, तो इसी वजह से आज मरी के वक़्त ही जल्दी आंख लग गई थी। तो अभी इशा की नमाज़ पढ़ के आए हैं, अभी भी सिर्फ सोने की तैयारी है, सिर्फ थोड़ी सी देर लैपटॉप पे बैठा हूँ, लैपटॉप को देखा है मैंने। आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।